आपने बिपिन रॉथ के बारे में सुना ही होगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पर आखिर वो थे कौन और हुआ क्या था? तो दरअसल जनरल बिपिन रॉथ भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, मतलब कि वो भारतीय जल सेना, थल सेना और गगन सेना तीनों के ही प्रमुख थे। और आज से पहले भारत में ये पदवी किसी को नहीं दी गई थी। तो भैया 8 दिसंबर को जनरल अपनी पत्नी और 10 सीनियर ऑफिसर और 4 हेलीकॉप्टर क्रू मेंबर सहित सुलोर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुए थे, जहां जनरल राउत को DSSC कॉलेज में लेक्चर देने जाना था। लेकिन कॉलेज से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। अब इसका वजह बताया जा रहा है कि कुहासा होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और इस कारण से हेलीकॉप्टर जंगल में गिर पड़ा। आसपास के लोग और एम्बुलेंस उन्हें लेने तो पहुंची, पर जंगल होने के कारण कोई पहुंच नहीं सका। पर जनरल रॉथ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद भी जीवित थे, जहां हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनका निधन हो गया। जहां हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्ति की मौत हो गई, सिर्फ एक को छोड़कर, जिनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कमेंट में RIP